नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बजरंग दल के एक विशेष व्यक्ति द्वारा दिया गया मस्जिदों पर भड़काऊ भाषण। दिनांक 25/6/2023 को रविवार के दिन बस स्टैंड सीहोर पर हिंदू जन जागरण यात्रा में विवेक राठौर पिता श्री सतीश राठौर निवासी गंज सीहोर ने मुस्लिम धर्म के धार्मिक स्थलों मस्जिद के बारे में भड़काऊ भाषण देते हुए यह कहा कि सीहोर जिले की प्रत्येक मस्जिद में बजरंग दल का कार्यालय बनाएंगे और यह कारवा जब तक चलता रहेगा जब तक मस्जिदों में बजरंग दल का कार्यालय नहीं बनेगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जगह जगह फैल गया, जिसको लेकर आज दोराहा निवासी विधायक प्रतिनिधि रफीकुल्ला एवं उबेद फारूकी, नफीस पठान, समीर पठान आदि के नेतृत्व में बहुत अधिक मुस्लिम संख्या के लोगों द्वारा दोराहा थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर के नाम ज्ञापन दिया गया एवं कठोर धारा में कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके साथ साथ मस्जिदों में सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। दोराहा से दानिश खान की रिपोर्ट। इसी प्रकार से हमें उपस्थित होना है और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीहोर जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में बहुत जल्दी बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे और जब तक हमारे बजरंग दल के कार्यालय नहीं मिल जाते ये कारवां रुकने वाला नहीं है। आज सीहोर जिले में बजरंग दल प्रवेश प्रारंभ। होली आर्ट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से टू 12 बीच बायो साइंस एंड कॉमर्स फिर शिक्षित स्टाफ के साथ नियमित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधि 144 अशोका कॉलोनी रॉयल मार्केट भोपाल।